वो हमारे गेट पर जाइएगा तो हमारा भी बोर्ड नोच के गया है सब। अब सीएन गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि राजद के लोग थे तो वो क्या भाजपा का आ करके गया है जब युवा लोग सड़क पे उतरा विरोध करने के लिए तो यहाँ के सारण के जितने भी अपोजिशन के विधायक थे उनमें से कोई नहीं आया ना जितेंद्र राय आए क्यों तो ये पंद्रह लाख रुपया सब लोग के खाता में आ जाएगा काला धन देश में आ जाएगा दो करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दे दिया जाएगा इतना जुमला ये लोग दिखा चुके हैं कि संग जनता अब सड़क पर उतर गई कि उन्होंने बोला है कि 2024 तक अमेरिका की सड़क की तरह बिहार के सड़क को बना देंगे हमको लग रहा है कि छपरस से हाजीपुर लगभग पंद्रह साल से काम लगा हुआ आज तक तो कंप्लीट नहीं हुआ अब कौन वाला अमेरिका बनाएंगे अभी तो वही लोग को पता है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसे कानून को या घोषणा को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये जनहित में नहीं है कहीं ना कहीं सरकार अब किस प्रकार से प्लानिंग कर रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है अब क्या विचार है सरकार का क्या मनसा है अब तो समझना मुश्किल हो गया है क्योंकि हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे अब तो ये हालात देख के लग रहा है कि आगे ये जो अभी हो रहा है कि ये इसके बाद रेलवे का वही हाल होगा कुछ दिन के बाद पोस्ट ऑफिस का वही हाल होगा जो भी भारत सरकार के उपक्रम है उनका हाल तो पहले ही से हो चुका है नमस्कार मेरा नाम है हैरिष और आप छपरा अपडेट देख रहे हैं छात्रों का उग्र प्रदर्शन छपड़ा में देखने को मिला हर जगह ट्रेनें तोड़ी गई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया ट्रेनों में आग लगा दी गई और बहुत सारे ऐसे विध्वंस किए गए जो शायद नहीं होना चाहिए था इस पर भारतीय जनता पार्टी के छपरा के विधायक जो हैं उनका बयान आया कि ये सब राजद के गुंडे थे अभी हमारे साथ मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय जी हैं हम इनसे जानेंगे कि क्या वो सही में राजद के ही गुंडे थे अब उनको कहाँ से दिख गया क्या समझ में आया जिस तरह से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है और जो आक्रोश लोगों में आज दिखाई दिया छात्रों में तो वो तो साफ दिख रहा है कि पूरे देश में क्या हो रहा है केवल छपरा में होता तो बात समझ में आती पूरा देश में आज माहौल ख़राब है और राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से ही कह रही है कि देश में अराजकता फैल जाएगा अगर ये हालात रहा तो बेरोजगारी का ये आलम रहा तो।, तो जिस तरह का ये भारत सरकार ने घोषणा किया है उससे हमको लगता है जो भी छात्र लोग से बातचीत हुई उन लोगों में भारी आक्रोश है और आक्रोश के कारण लोगों ने रोड पर स्वतः कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन इसमें हमको नहीं लगता है कि फ्रंट से आकर ऐलान किया था कि इस प्रकार का प्रदर्शन या जुलूस निकालना है तो कहीं ना कहीं वो, वो आक्रोशित लोग थे जो जिनको लग रहा था कुछ लोगों का तो मान लीजिए सिलेक्शन हो भी गया था और सिलेक्शन होने के बाद रद्द कर दिया गया है और कुछ लोग आशा पर तैयारी गांव में आप जाएंगे जब तो देखेंगे कि 50-50 गांव, एक ही गांव में नौजवान सुबह उठ के चार बजे सुबह से दौड़ना शुरू करता है केवल इस आशा में कि मिलिट्री का बहाली निकलेगा इसमें हम होंगे अब जो ये बहाली का है कि सत्रह बरिश में होगा क्या तो वो बाईस बरिश में वो रिटायर कर जाएगा रिटायर होने के बाद ना उसका पढ़ाई आगे हो पाएगा ना आगे कोई जॉब मिलने का चांस है अब देखे कल की कोई मंत्री बयान दिए हैं भारत सरकार के कि उनको ग्रेस दिया जाएगा किसी मामले में तो जिस तरह पहले था कि पंद्रह साल तक मलेट्री के लोग नौकरी करेंगे तो ये एग्रीमेंट कर दें कि पंद्रह साल होना चाहिए तो ये पंद्रह लाख रुपया सब लोग के खाता में आ जाएगा काला धन देश में आ जाएगा दो करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दे दिया जाएगा इतना जुमला ये लोग दिखा चुके हैं कि सं... जनता अब सड़क पर उतर गई है मोदी जी कहे हैं कि 2024 तक 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा अभी तीन दिन पहले अरे भाई तो दो करोड़ तो वो बोले थे पहले तो ये दस करोड़ का, का दस लाख का क्या अभी कब क्या देंगे आ कैसे देंगे अब तो अभी हाल में आए थे गडकरी जी हाजीपुर में ये गांधी सेतु के उद्घाटन में तो उन्होंने बोला तो हम देख रहे थे तो देखे कि उन्होंने बोला है कि 2024 तक अमेरिका की सड़क की तरह बिहार के सड़क को बना देंगे हमको लग रहा है कि छपरा से हाजीपुर लगभग पंद्रह साल से काम लगा हुआ आज तक तो कंप्लीट नहीं हुआ अब कौन वाला अमेरिका बनाएंगे अभी तो वही लोग को पता है अच्छा एक चीज बताइए जो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है वो खुद से हम मतलब आज तक दस से बारह वीडियो किए हुए हैं उनका कहना होता है कि हम लोग पैसा के लिए नहीं जाते हैं हम लोग देश की सेवा करने के लिए जाते हैं तो जो बच्चा चार साल पाँच साल तैयारी करेगा अठारह साल की उम्र में उसकी भर्ती होगी चार साल बाद वो रिटायर हो जाएगा बाईस साल के होकर रिटायर हो जाएगा उसके बाद से तो वो आगे फ़ौज की नौकरी कर नहीं पाएगा तो उसके साथ क्या यह बहुत बड़ा घात हुआ है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसे कानून को या घोषणा को वापस लेना चाहिए चूँकि ये जनहित में नहीं है कहीं ना कहीं सरकार अब किस प्रकार से प्लानिंग कर रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है अब क्या विचार है सरकार का क्या मनसा है अब तो समझना मुश्किल हो गया है क्योंकि हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे अब तो ये हालात देख के लग रहा है कि आगे ये जो अभी हो रहा है कि ये इसके बाद रेलवे का वही हाल होगा कुछ दिन के बाद पोस्ट ऑफिस का वही हाल होगा जो भी भारत सरकार के उपक्रम है उनका हाल तो पहले ही से हो चुका है अब बाकी जो सरकार के अंग के रूप में काम कर उस सब सेक्टर में भी यही हाल होगा तो जो हालात बनने वाली है वो बहुत चिंता का विषय है जितेंद्र राय जिन्हें युवा और लोग लगातार विधायक बनाए जा रहे हैं हमेशा वो युवाओं के टच में रहते हैं बात करते हैं जब युवा लोग सड़क पे उतरा विरोध करने के लिए तो यहाँ के सारण के जितने भी अपोजिशन के विधायक थे उनमें से कोई नहीं आया ना जितेंद्र राय आए क्यों देखिए हम लोग तो कल अभी घोषणा हुआ था अब पार्टी का बैठक होगा इस पर प्लान बनेगा कोई भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा गाइडलाइन बनेगा कि इस पर प्रदर्शन करना है इस पर हम लोग को विरोध जताना है अभी हम लोग का 24 तारीख से सदन चलने वाला है हम लोग सदन में इस बात को उठाते तो ये सब सारी बातें होती ये तो वो छात्र जिनका मान लीजिए कुछ लोग वैसे भी लोग इसमें शामिल होंगे जिनका पहले से सिलेक्शन हो गया था और कुछ जो आशा में थे वो लोग शामिल थे कोई संगठन और कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल नहीं हुआ था अच्छा टी के अलावा एक और मामला है कि पिछले दो साल में जो भर्तियां हुई थी बच्चों की कोरोना के नाम पे तो एक भर्ती टाला गया था दो साल में उनकी भर्तियाँ की गई थी फिजिकल मेडिकल हुआ था उन बच्चों की बहाली कैंसिल कर दी गई सबसे ज़्यादा बच्चे इस बात से उगरे हैं वही बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी का आप सलेक्शन किए और उसको ये आशा जग गया कि अब हमारा जॉब मिल गया और उसको अगले दिन आप नया कानून बना के उसको इस चार साल का घोषणा कर दिए तो आक्रोश तो होना जायज है और वही सब तमाम लोग इसमें फेसबुक के माध्यम हम से हमको लगता है कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है ना कोई हम लोग को तो जानकारी नहीं हो पाया फेसबुक के माध्यम से ये सब लड़का इकट्ठा होके और ये प्रदर्शन करने का काम किया अच्छा एक सवाल बताइए आप प्रदर्शन करना तो ठीक था आपके हिसाब से लेकिन जो इन्होंने तोड़फोड़ किया ये लोग डीजल सेट तक पहुंच गए थे उसमें आग लगाने के लिए रेलवे के ऊपर से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उसको भी तोड़ा गया इसको आप किस प्रकार से देखते हैं बैठे वो हमारे गेट पर जाइएगा तो हमारा भी बोर्ड नोच के गया है सर अब सी गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि राजद के लोग थे तो वो क्या भाजपा का आग करके कर कर गया है तो विषय यहाँ नहीं है विषय यहाँ है कि वो लड़का तो कोई संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है वो तो अपनी मांग के लिए रोड पर निकला उसमें कुछ बेरोजगार युवक ऐसे भी घुस गए जो इलिटरेट हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि सरकार को क्षति करना मतलब अपना क्षति करना तो उस टाइप का कुछ छिटपुट घटना हम भी देखे हैं जो किया है वो गलत है वो उसका हम निंदा करते हैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी घटना हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये नेतृत्व विहीन होने की वजह से हुआ हाँ हाँ निश्चित रूप से चलिए अंतिम सवाल सर आपसे इन छात्रों के लिए आप सदन में क्या करेंगे हम लोग बोले तो कि चौबीस तारीख से सदन चलेगा तो हम लोग मांग करेंगे कि ये कानून जो बनाकर ये जो घोषणा किया गया है सरकार इसको वापस ले चूँकि ये भारत के तमाम छात्र और नौजवानों के हित में नहीं है कहीं ना कहीं नौजवानों का भविष्य इससे अंधकारमय हो जाएगा दिखाई नहीं देगा कि हमारा भविष्य का क्या होगा ये हालात बनने वाला है इस नियम से तो इसके कारण छात्र विरोध कर रहे हैं और जब जब देश में इस प्रकार का बात आता है तो पॉलिटिकल पार्टी उसमें शिरकत करता है अब प्लान बैठक होगा बैठक में तैयारी होगी उसके हिसाब से होगा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जितेंद्र राय को सुना बाकी अधिकतर लोगों का यही मंतव्य है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है अगर कोई बच्चा अठारह साल की उम्र में टीओडी ज्वाइन करता है अग्निपथ योजना को ज्वाइन करता है और वो 22 साल की उम्र में जब रिटायर्ड हो जाएगा तब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा फौज के फौज में सेवा देने का और जो बच्चे किसान के बच्चे गरीब परिवार के बच्चे ही ज़्यादातर फ़ौज में जाते हैं और देश की सेवा का जज्बा लिए वो फिरते हैं समझिए कि एक बच्चा जो तीन साल अपना खून पसीना जला के फ़ौज में जाएगा और जब वो लौट के आएगा तो उसके बाद से वो क्या करेगा क्योंकि उसकी बचपन से ही मनसा होती है उसका सपना होता है कि हम ताउम्र अपने देश की सेवा करें बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएँ मैं हूं सब छपरा अपडेट लेकर हमने एक विषय मनी है बहुत बहुत धन्यवाद